हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील, आप देखिए डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। जो आज ये प्रॉपर्टी में आपको लगे कि 85 बाय जो है एक डुप्लेक्स हाउस बना हुआ है, इसमें आपको 3 बेडरूम्स मिल रहे और 3 बाथरूम मिलेंगे, एक हॉल मिलेगा और एक वाटर किचन मिलेगा, एक पार्क इसके साथ में, एक हैचबैक कार आराम से खड़ी जाके इस तरह की पार्किंग है। और इसमें साथ साथ आपको समरसेबल भी मिल रहा है, तो आपको लाइफ टाइम पानी की कोई दिक्कत नहीं वाली। तो इसके फ्रंट पे जो रोड आ रही है वो 16 फीट की मिलेगी, और जो लोकेशन आ रही है नकरोंदा में आ रही है। नकरोंदा जो है ये हाईवे से जो अपना हरिद्वार और देहरादून हाईवे है उससे लगभग 3 किलोमीटर अंदर है ये, जहाँ पर ये मकान बना हुआ है। और इसके नियर बाय आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। ये जो नकरोंदा के मेन रोड है वहाँ से 100 मीटर पर ही है, और आपको इस एरिया में स्कूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो रोज़मर्रा के जो सामान होता है वो सब आराम से मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे जो मेन हाईवे पे पैसिफिक मॉल भी खुल रहा है, तो उसकी वजह से इस एरिया में वैसे भी प्रॉपर्टी के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोकेशन की बात जो हम कर रहे हैं बार बार, तो इस एरिया के में जो अपना हर्रा वाला है वहाँ पे मेन रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है अभी आगे वाले। और अगर आप अभी 1-2 साल में लेने वाले हो तो उन अभी इससे बढ़िया है कि अभी इसको किसी तरह के लोन करके भी इसको ले लीजिए, क्योंकि अगर 2-3 साल बाद जब आप इसको लेने जाएंगे तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाला है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है 3 BHK की, तो आप इसके लिए हमको कॉल कर सकते हैं। आपको मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी कोई प्रॉपर्टी लें प्रॉपर्टी के पेपर जरूर चेक करें, उससे आप प्रॉपर्टी से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये जो रोड है ये आपको इस पर 16 फीट की रोड मिलेंगे, और इसके साथ आपको ये मिल जाएगा मकान। ये इसका फ्रंट एलिमेंट आ रहा है, 3 BHK है और 85 गज बना हुआ है। और एंट्री के लिए आपको 2 गेट मिलेंगे, एक तो ये आपकी कार पार्किंग के लिए मिलेगा, और ये आपके आप सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा सीवर आया हुआ है और डेड एंड का सेकंड प्लॉट है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग मैं अब आपको एक वीडियो डाल के दिखा दूंगा अभी, एक इमेज है, हमने इसके अंदर एक हैचबैक कार खड़ी करके देखी थी, तो मैं इसलिए आपको दिखा भी दूंगा। वो ये इसका पार्किंग एरिया आएगा, यहाँ पे मैं आपको जो कार का एक इमेज है वो भी दिखा होगा आपको। तो इसमें आराम से एक हैचबैक कार आराम से खड़ी हो रही है, ये इस पर ग्लेजिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका बोरिंग है, बोरिंग का कंट्रोल दे रखा है। अब यहाँ से आप इसको एंट्री कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का बढ़िया पत्थर का यूज़ किया हुआ है सीढ़ियों पर, और ये इस पर जालीदार दरवाजा लगा हुआ है। अभी इसमें ग्लास लगेगा, यहाँ से आप इसके हॉल में आ जाएंगे, ये इसका पूरा हॉल मिलेगा आपको। ये इसमें पूरा आपको 4 सीलिंग का काम मिल रहा है, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा, और साथ ही ये किचन रहेगी। किचन है, पूरी मॉडर्न किचन है, चिमनी के लिए जगह बना के रखी हुई है, ये ऊपर एग्जॉस्ट चिमनी का पाइप बाहर डालने के लिए, वहाँ पर आपको वॉश बेसिन आ जाएगा। पूरा गीजर की फिटिंग के लिए है जगह छोटर की, और एक जो इसका बाथरूम है ये आ जाएगा, काफ़ी बड़ा बाथरूम दे रखा है ये देख सकते हैं। और साथ में ये कमरा मिलेंगे, ये कमरा मिलेगा 10.5 बाय 10.5 के, इसमें आपको एक वार्डरोब मिलेगी आयरन की, और ये पीछे इसमें स्पेस छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, और एक बेडरूम मिलेगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं। यहाँ से आप पीछे वाले एरिया में जा सकते हैं, और एक वॉश बेसिन यहाँ पर भी है, ये भी सेम साइज का कमरा है, और एक छोटा बाथरूम इसमें दे रखा है, इसको आप नाइट के लिए यूज कर सकते हैं। इंडियन सीट लगी है इसमें। अब यहीं से इसके आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर भी देख सकते हैं, सीढ़ियाँ में जो पत्थर का यूज किया काफी बढ़िया लग रहा है। पूरा ग्लेजिंग है, तो ग्लेजिंग का पूरा आपको जो रोशनी अंदर आती है पूरी, यहाँ से आप इसको ऊपर आ सकते हैं। ये एरिया है जो यहाँ पे, इस पर आप रेंट में दोगे उसको आप अपना किचन बना सकते हैं, या फिर इस पर आप एक पूजा रूम भी बना सकते हैं इसको, और एक रूम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये इसका जो रूम साइज है इसका, ये 12 बाई 12 का है, जो बोर ऊपर आपको पीओपी का काम मिल रहा है, विंडो मिल जाएगी,
और यहीं से इसकी बालकनी भी, ये बालकनी है, इस तरीके का से व्यू मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आप इसके एक वॉशरूम यहाँ पे मिल रहा है, ये भी जो नीचे साइज था उसी के तरीके का है, बड़ा साइज है, ये देख सकते हैं पूरा और इंडियन सीट लगी हुई है यहाँ पे। आपको स्टोरेज के लिए भी अगर स्टोर करना है वो भी लगा कर दिया हुआ है। 7 फीट तक पूरी आपको टैच मिल रही है, ऊपर यहाँ पे आप अपना गीजर लगा सकते हैं। और ये आप उसके पीछे ये एरिया ओपन एरिया मिल जाएगा, आपका टेरिस रहेगा, आप इसका यूज़ कैसे भी कर सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए भी इन्होंने लगाया हुआ है। यहीं से इसमें आप इसकी जो ये वाली छत है इस पर भी जा सकते हैं, मैं आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये आयरन का बनाया हुआ है इन्होंने सीट इसमें, यहाँ पे पूरी टंकियाँ फिट करके रखी है, टंकी भी देख सकते हैं, नीचे भी पूरा रैंप बना के रखे हुए। और ये यहाँ से व्यू मिलेगा आपको पूरा नकरोंदा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई और आप इसे विजिट करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में नजर आएगा आपको, आप अभी कॉल कीजिए, हम आपको विजिट करवा देंगे। ऐसी वीडियो देने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।